हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, जो रेलवे द्वारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू पे कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक तरह से हम देखें यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम 6 ग्रुप और टोटल 16 डिमांड में डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो पहला ग्रुप है वह है पॉलिसी फॉर्मेशन को लेके, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड सर्विसेज कॉमन टू ऑल रेलवे, दैट इज ग्रुप वन। इसके अंदर बेसिकली जो दो डिमांड आती हैं, एक है रेलवे बोर्ड को लेके और दूसरी डिमांड आती है मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, जैसे RDSOs वगैरह हो गए है ना, और अदर एक्सपेंडिचर्स हो गए, उन सब को लेके आती है। तो ये दो एक्सपेंडिचर्स जो हैं, वो जो दो डिमांड हैं, यह ग्रुप वन के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है जनरल सुपरिंटेंडेंट्स एंड सर्विसेज ऑन रेलवेज, तो इसके अंतर्गत जो है भी डिमांड नंबर तीसरी आती है, इसके अंदर भी जनरल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे ऑडिट वगैरह हो गया, तो ये सब एक्सपेंडिचर्स जो है इस पर एक्सपेंडिचर्स होता है और डिमांड नंबर तीन के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा ग्रुप है जो, वह है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है एंड की रोल प्ले करता है। तो तीसरा एक्सपेंडिचर जो है, तो इसके अंतर्गत अगर बात करें हम, तो बेसिकली डिमांड नंबर फोर जो है PVS के लिए, परमानेंट वेज एंड वर्क्स के लिए आती है। डिमांड नंबर फाइव जो है वह मोटिव पावर के लिए आती है। डिमांड नंबर सिक्स जो है वह कैरिएज एंड वैगन्स के लिए आती है। डिमांड नंबर सेवन जो है प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के लिए आती है। डिमांड नंबर एट जो है वह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रोलिंग स्टॉक्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए आती है। और प्लांट नंबर जो डिमांड नंबर नाइन है वह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रैफिक के अंतर्गत आती है यहाँ पे। और डिमांड नंबर टेन है वह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल। तो यहाँ पे डिमांड नंबर आठ, नौ, दस जो है तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट्स हो गया, दूसरा ट्रैफिक हो गया और तीसरा फ्यूल हो गया। तो इस तरह से जो है, तो डिमांड नंबर फोर टू टेन, डिमांड नंबर फोर टू सेवन जो है बेसिकली वह रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे है, और डिमांड्स नंबर जो एट, नाइन, टेन है वह ऑपरेशन पर होता है। नेक्स्ट है जो ग्रुप है वह स्टाफ वेलफेयर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड मिसलिनियस ग्रुप्स है। इसके अंतर्गत हम बात करें अगर, तो तीन डिमांड्स आ रहे हैं यहाँ पे, डिमांड नंबर 11, डिमांड नंबर 12 एंड डिमांड नंबर 13। डिमांड नंबर 11 जो है वह है स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज, स्टाफ के लिए क्या वेलफेयर पॉलिसीज चल रही हैं और क्या एमिनिटीज हैं उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। नेक्स्ट है डिमांड नंबर 12 जो है वह मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस पे होता है। डिमांड नंबर 13 जो है वह प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है एक तरह से उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है रेलवे फंड्स एंड पेमेंट्स टू जनरल रेवेन्यूज, ग्रुप नंबर सिक्स हो गया। इसके अंतर्गत तीन डिमांड्स हैं, डिमांड नंबर 14, डिमांड नंबर 15 एंड डिमांड नंबर 16। डिमांड नंबर 14 जो है एक तरह से अप्रोप्रिएशन टू फंड्स, तो इस तरह से डिमांड नंबर 14 के तहत जो है, तो हमें फंड्स जो है तो उसका एलोकेशन करना होता है। डिमांड नंबर 15 के तहत जो है, तो डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यूज, जो भी डिविडेंड्स लाभांश है वह जनरल रेवेन्यूज में देना होता है, साथ ही जो भी लोन्स है जनरल रेवेन्यूज से हमने लिया है उसका रीपेमेंट करना होता है। और नेक्स्ट है जो डिमांड नंबर 16 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत, जिसको हम कैपिटल डिमांड्स बोलते हैं, कैपिटल फंड एलोकेशंस बोलते हैं, जिसके तहत एसेट्स एक्विजिशन किया जाता है, constructions and replacements, replacements that means what, from older technology to new technology when we adopt any things, तो ये सब चीज़ें जो हैं तो डिमांड नंबर 16 के तहत की जाती हैं। तो इस तरह से टोटल हमने 6 ग्रुप के अंदर टोटल 16 डिमांड्स देखी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल में हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और साथ में LDCs में आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे मास्टर स्ट्रोक खेलें। धन्यवाद।